इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है फ्रेंड कि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की CSP यानी पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से IPP भी यहाँ से पोस्ट करके भी बताया हुआ है, जहाँ से देख सकते हैं और कौन कौन सी सर्विस मिलेगी इनके अगर आप परिवार का हिस्सा बनते हैं। ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कितना टाइम लगता है, और कैसे फ्रेंड आप जल्द से जल्द IPPB का CSP ले सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। सो गाइस, अगर आप IPPB का CSP लेना चाहते हैं तो बिना किसी स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं IPPB की CSP के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड इससे पहले हम लोग जान लेते हैं IPPB के द्वारा क्या ट्वीट करके बताया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि हमने सरकारी बैंक एजेंट के रूप में काम करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ से सभी उत्साहित लोगों की प्रक्रिया बहुत ही आसान एवं सुविधाजनक बना दिया गया है। यानी इनका कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि ये अगर आप सरकारी एजेंट बनना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो आपका यहाँ से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने देख सकते हैं ट्वीट करके भी बताया हुआ है कि IPPB टीम के साथ जुड़े, आज ही आप IPPB बिजनेस करस्पेंडेंट यानी BC बन सकते हैं, BC के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस की बात करूं फिर, इन्होंने देख सकते हैं ट्वीट करके भी बताया है कि इनमें कौन कौन सी सर्विस मिलेगी, जहां से बताया चाहे बचत खाता खोलना हो या भुगतान करना हो, IPPB बिजनेस करस्पॉन्डिंग बनकर ग्राहकों के साथ विस्तृत, यहां से देख सकते हैं विस्तृत बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यानी आप यहां से विस्तृत सुविधाएं यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सर्विस है, जैसे खाता खोल सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे आप मनी ट्रांसफर बोल सकते हैं, सामान एवं जीवन का बीमा कर सकते हैं, उपयोगिता बिल भुगतान कर सकते हैं, इनमें फ्रेंड आप IPPB यानी मोबाइल का बिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी बिल आप यहां से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और बहुत सारी सर्विसेज इनके द्वारा प्रदान की जाएगी अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP बनते हैं, तो यहां से देख सकते हैं। और इन्होंने बताया भी है, जहां से आप सीधा सीधा देख सकते हैं, इन्होंने ट्वीट करके बताया है, ये यहां से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसका लिंक आपको मैं यहां से टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, यहां से देख सकते हैं। अगर आप एक BC एजेंट है बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ से रिलेटेड काफी सारी नए नए अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, आप ये अपडेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए फिर यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने ही अपना एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप आके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए निकटतम IPPB शाखा संपर्क करें, यानी जो आपके नियरेस्ट ब्रांच है IPPB का, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर लिंक के माध्यम से आप यहाँ से देख सकते हैं अपना अनुरोध सेंड कर सकते हैं। इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आएंगे फिर तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, जहाँ से देख सकते हैं बोला जा रहा है IAM द एक्साइटिंग कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट। अगर आप पहले से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं तो आप किसको चूज करेंगे, अगर आप नहीं है और नो IAM नॉट ए कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट, आपको इस पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट से भी इस लिंक पे जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ से IPPBOnline.com पे आएंगे फिर, तो यहीं से सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है, नॉन IPPB कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो यहीं से देख सकते हैं पार्टनर विथ एज का आपको ऑप्शन मिलता है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसी साइड में आ जाएंगे। तो हम फिर इसके थ्रू आते हैं, IAM नॉट कस्टमर पे क्लिक करेंगे, जैसे फिर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनर विथ एज, यही सेम ऑप्शन यहाँ से मिलता है जहाँ इनके द्वारा जो ऑप्शन दिया जा रहा है, तो दोनों से एक ही में आएंगे, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि ऑल फील्ड जिनमें स्टार है उसको मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेट के लिए है, फिनटेक के लिए है, या फिर थर्ड पार्टी है, जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सोलिसिटेशन आपको सेलेक्ट करना है, अपना टाइटल नेम क्या है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको अपने यहाँ से फर्स्ट नेम देना है एंड लास्ट नेम आपको यहाँ से देना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आपको अपना एक यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करना है, नंबर फ्रेंड आपको वही देना है जो आपके पास परमानेंट हो, इंक्वायरी के लिए कॉल आ सकता है, या फिर आपका फॉर्म सबमिट होता है तो उससे संबंधित जानकारी देने के लिए कॉल आ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ से एक ईमेल आईडी देना है, जो भी अगर ईमेल आईडी आप यूज करते हैं आप वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि आप फोन में अपडेट हो।
इसके अलावा अपना फुल एड्रेस आप यहाँ से टाइप करेंगे, सेकेंड एड्रेस आपको यहाँ से फिल करना, पिन कोड आप अपना यहाँ से डाल देंगे जो भी आपका पिन कोड रहेगा फ्रेंड। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ से अपने नियरेस्ट ब्रांच को चूज कर सकते हैं जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच रहेगा। पूरा एड्रेस फिल करेंगे आपका नियरेस्ट ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा सब डिवीजन देख सकते हैं, इसके बाद आपका डिवीजन क्या है, रिलीजन क्या है, आप वो सर्कल आपका क्या है, स्टेट क्या है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है एनी स्पेसिक रिक्वेस्ट, यानी आप क्यों रिक्वेस्ट करें कोई स्पेसिक रीजन, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं आई वॉन्ट टू ओपन पार्टनर विथ एज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी फ्रेंड या फिर आप टाइप कर सकते हैं आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर ओपन करना चाहते हैं, उसे फ्रेंड आप यहाँ से टाइप करेंगे। और डिटेल में आप अपने बारे में इसे लिख सकते हैं पूरा डिटेल में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपके पास, क्यों लेना चाहते हैं आपके पास, मतलब जो भी चीज़ रहेगा आप यहाँ से उसे आके लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंडेटरी डिक्लेमर आपको यहाँ से डिक्लेमर का आपको यहाँ से फिल करना है जो कि डिस्क्लेमर है। इसके बाद ये जो यहाँ से वेरिफिकेशन कोड दिया गया है फ्रेंड, आप टैक्स वेरिफिकेशन आपको यहाँ से फिल करना है एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ से इनके रिक्वेस्ट चला जाएगा, फिर आपका रिक्वेस्ट का क्या है रिस्पॉन्स रहता है आपको मेल और आपके SMS में आपके द्वारा मिल जाएगा क्या चीज़ें रहेंगी। और फ्रेंड अगर आप अपने नियरेस्ट ब्रांच जो हेड ब्रांच उसे सर्च करना चाहते हैं तो आपको मर्चेंट वाले ऑप्शन में आना है। मर्चेंट में आने के बाद फिर यहीं से आप देख सकते हैं या फिर आप यहां से पिन कोड वगैरह डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपको और काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती है जिनमें कैश विड्रॉल आप कर पाएंगे, यहां से डिपॉजिट है, आधार सीडिंग का काम कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर पाएंगे, KYC सर्विस मिल जाती है, मोबाइल नंबर ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं, QR कोड रिसेंस कर सकते हैं, इसके बाद बिल पेमेंट है, भीम UPI है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, IPPB मोबाइल बैंकिंग है, IPPB यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यहाँ से के लिए आप कर सकते हैं, लिंक करा सकते हैं, पेमेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, 2-व्हीलर इंश्योरेंस, 4-व्हीलर इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप डिजिटल यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट देख सकते हैं, आधार मोबाइल अपडेट, चाइल्ड आधार इनरोलमेंट, होम लोन, पर्सनल लोन, ये काफ़ी सारी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं जहाँ से आप डोर स्टेप सर्विस में आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब यहीं पर देख सकते हैं पार्टनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अपना ऐसे ब्रांच भी नियरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये कंप्लीट प्रोसेस जहाँ से देख सकते हैं मैंने आपको बताया जो कि इनके द्वारा अपडेट किया गया था और इन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है, तो उसके कंप्लीट जानकारी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, मन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें, साथ में रीजन जरूर दें क्यों वीडियो आप डिसलाइक कर रहे हैं, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की हम लोग कोशिश करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड आपको यहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करें अगर अभी तक आपने आप फॉलो नहीं किया है तो। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए देख सकते हैं डेली नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ में, आपसे जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।